रायगढ़ में केलो नदी की सफाई के लिए महाअभियान चलाया गया। नगर निगम के इस अभियान में जिला प्रशासन, जेएसपीएल, एनटीपीसी, एनआरएसपार, एसईसीएल, उद्योगों के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि नदियों में कचरा फेंक दिया जाता है जो हमारे लिए तो हानिकारक है पर आने वाली पीढ़ी को भी इससे खतरा है। ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए। जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा के तहत हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध और अपील है कि निजी रूप से ये एक सेंसिटाइजेशन रखें कि प्लास्टिक कम यूज़ करें और अगर कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उसे फेंक कहाँ रहे हो। प्लास्टिक को कम फेंकिए, वो आके फाइनली हमारे किसी न किसी पानी के स्रोत में ही आ रहा है या जमीन में मिल रहा है। जेएसपीएल के वाइस प्रेसिडेंट संजीव चौहान ने कहा कि हमारी टीम ने सफाई अभियान में भाग लिया है, सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हमें पूरे रायगढ़ को स्वच्छ बनाना है। हम सबको भी, क्योंकि हमको यहीं रहना है और जहां आदमी रहता है तो वो जगह भी स्वच्छ होनी चाहिए और स्वच्छता अभियान में हम लोग बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। हमारा जेएसपीएल तो ऑलरेडी हम लोगों को तो बल्कि ये नारा भी है कि ग्रीन जेएसपीएल, क्लीन क्लीन जेएसपीएल, तो साफ सुथरा हर चीज़ रहना चाहिए, उससे ही बरकत भी होती है चीज़ों में और जितना साफ रहेगा उतना आदमी उसका वो स्वस्थ भी रहेगा। वहीं निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि आज केलो नदी सफाई महाअभियान में सभी अपना भरपूर योगदान दिया। नदी और नदी के आसपास जो है लोगों को हम ये अवेयर करें कि वो कचरे जो है वहाँ ना फेंके, स्पेशली जो प्लास्टिक कचरे जो नदी में बह करके अल्टीमेटली जो है नदी के पानी को भी प्रदूषित करते हैं और आगे जा करके हमारे समुद्र तल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सॉइल को भी नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से एक कचरे को अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे बहुत जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए हमको कचरे को जो है जो निगम टीम की ओर से और जो कचरा गाड़ी आती है उस गाड़ी में ही जो है अनिवार्य रूप से कचरे को दें और गीला सूखा अलग करके दें, ये हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों को नदी के आसपास साफ सफाई रखने तथा नदियों में प्लास्टिक कचरा नहीं फेंकने के लिए जागरूक किया गया।